ओके लेट्स सॉल्व कपल ऑफ मोर प्रॉब्लम्स जैसे इन दिस प्रॉब्लम फोर साइन फोर थीटा प्लस कॉस थीटा रिस्ट पॉफ फोर इक्व टू वन ये ठीक है इस क्वेश्चन में मेरे को क्या चीज़ क्लिक कर जाना चाहिए कि ये और ये अगर मैंने वन को मिला दिया तो फोर साइन फोर बराबर वन माइनस कॉस फोर दिस कैन बी फैक्टराइज एज वन माइनस कॉस स्क्वायेर एंड वन प्लस कॉस स्क्वायेर ठीक है वन माइनस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर तो दिस इज फोर साइन फोर बराबर साइन स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर तो दोनों तरफ से एक तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू जीरो और ठीक है एक तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो आ गया फिर दूसरे सोल्यूशन के लिए दोनों तरफ साइन स्क्वायर को कैंसिल करते फोर साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉस स्क्वायर वन प्लस कॉज स्क्वायर को फर्दर आई कैन राइट हूं टू माइनस साइन स्क्वायर ताकि सब कुछ साइन के ट्रांस में आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो से तो सोल्यूशन विल बी थीटा बराबर एन पाई और दूसरी जगह से इस साइन स्क्वायर को लेफ्ट पे ले आओ तो विल गेट फाइव साइन स्क्वायर थीटा बराबर टू और साइन स्क्वायर थीटा बराबर टू बाई फाइव और साइन थीटा इज इक्व टू प्लस माइनस रूट टू बाई फाइव टू बाई फाइव इज लेस देन वन तो साइन थीटा कैन डेफिनेटली टेक दिस वैल्यू सो दिस इज एक्सेप्टेबल सोल्यूशन और जैसा हमने बोला था कि अगर साइन के लिए प्लस माइनस आ जाए प्लस माइनस आने का मतलब क्या है कि चारों क्वारंट में एंगल आ जाएगा तो उसके लिए चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो आई लाइटाउन एन पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स रूट टू बाई फाइव ये ठीक है तो आंसर हमारा हो जाएगा दिस और दिस दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल बिकॉज साइन टू एक्स को आई कैन आई डॉन्ट टू साइन इन टू कॉस तो इस दोनों जगह से साइन कॉमन आ जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद फोर कॉस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो आइदर यूल हैव साइन एक्स इज इक्व टू जीरो और कॉस एक्स इज इक्व टू वन बाई फोर बोथ आर एक्सेप्टेबल साइन एक्स इज ईक्व टू जीरो से आ जाएगा एक्स इज इक्व टू एन और कॉस एक्स इज इक्व टू वन बाई फोर से आ जाएगा x इज इक्व टू टू एन बाई प्लस माइनस कॉस इनवे वन बाई फोर तो दिस विल बी आर सोल्यूशन ये ठीक है ये तो ऐसी सिंपल मैनिपुलेशन है फिर अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नाइन में टू साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर टू एक्स उसके अंदर भी साइन कॉस आ जाएगा तो मैंने क्या किया इसको ओपन कर दिया ठीक है तो नाइन्थ क्वेश्चन में व्हाट आई विल डू पहला टर्म तो हो गया टू साइन स्क्वायर और दूसरा टर्म हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर कॉस स्क्व टू तो सबसे पहले तो एक दो कैंसिल कर दिया सॉरी ये तो कैंसिल ही हो गया इस साइनस स्क्वायर को मिला के square लिख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया टू साइनस स्क्वायर कॉस स्क्र और राइट हैंड साइड पे आ गया वन माइनस साइनस स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर तो फिर वही बात either you'll have square x is equal to zero, और दर यूल को कैंसिल करने के बाद क्या बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद अच्छा डायरेक्टली पहले कैंसिल नहीं कर सकते वरना कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्व टू जीरो वाला सोल्यूशन चला जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्व टू वन तो यहाँ से कॉस जीरो कहाँ पे होता है पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे सो आई गेट टू वन प्लस वन इन टू पाई बाई टू और यहाँ से फिर वो साइन एक्स बराबर प्लस माइनस वन बाई रूट टू तो चारों क्वारंट में वन बाई रूट टूरस एंगल आई नो इज़ पाई बाई फोर सो यूल है एन पाई प्लस माइनस पाई by फोर तो दिस इज द कम्प्लीट सल्यूशन ठीक है अब बेसिकली इसमें टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में, में थ्योरी नाम की चीज़ तो बहुत कम है और मतलब थे लिए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी उतना ही है बाकी तो सब मैन्युपुलेशन है ठीक है फिर भी हम कुछ डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन को थ्योरी बना के करा देंगे बट इन ए सेंस थ्योरी खत्म हो गया है ठीक है अब तो बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जैसे टेंथ क्वेश्चन है, साइन थ्री अल्फा बराबर फोर साइन अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा इसको देखते ही मेरे को समझ में आना चाहिए कि दिस कैन बी रिटन एज फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का ठीक है साइन थ्री अल्फा को भी ओपन कर दिया थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब एल्फ़ा बराबर ये फोर साइन अल्फा जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो एल गेट फोर साइन अल्फा इन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है सॉरी फोर साइन क्यूब अल्फा आएगा क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी है और ये फोर साइन अल्फा और मल्टीप्लाई होगा अच्छा फोर साइन क्यूब एल्व एल्फा फोर साइन क्यूब एल्फा ऐसे कैंसिल हो गया समेशन में तो कैंसिल कर ही सकते हैं उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कोई भी केसेस बनाने की के जरूरत ही नहीं अब बच क्या गया बच गया। 3 sin alpha, ये गया थ्री साइन अल्फा ये ठीक है इक्वल टू फोर साइन अल्फा इन टू साइन स्क्वायर एक्स ठीक है अब ध्यान देने लायक क्या है कि इसमें वेरिएबल कौन है x, उसका मतलब क्या कि मेरे को x के लिए सॉल्व करना है और एल्फा इज ए गिवन कॉन्स्टेंट ठीक है अब हम हेस्टली ऐसे नहीं करेंगे कि दोनों तरफ साइन एल्फा कैंसिल कर दें क्योंकि एल्फ़ा तो मेरे को पता ही नहीं है एल्फ़ा कांस्टेंट जरूर है बट उसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है तो इसलिए विल मेक टू केसेस केस वन क्या है कैंसिल करने में क्या दिक्कत आई अगर साइन एल्फा जीरो हो गया तो कैंसिल नहीं कर सकते ये ठीक है तो इसलिए साइन एल्फा जीरो है एन साइन एल्फा जीरो नहीं है इसके करस्पॉन्डिंग केसेस बनेंगे तो साइन एल्फा जीरो कब होगा जब एल्फा इज़ इक्व टू एन पाई एंड वेन एल्फा इज नॉट इक्व टू वैन पाई ऐसे दो केसेस बना दिए ठीक है इसी इक्वेशन को हम सोल्व करें अगर एल्फा एन पाइए दैट वुड मीन साइन एल्फा जीरो तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा जीरो बराबर जीरो ये ठीक है साइन एल्फा दोनों तरफ से जीरो हो गया इसलिए दोनों साइड जीरो हो गया अगर दोनों साइड जीरो हो गया एंड एंड आई एम सोल्विंग फॉर एक्स तो जीरो इज इक्व टू जीरो इज ए करेक्ट स्टेटमेंट mathematically जीरो इज इक्वल टू जीरो इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द variable एंड द वेरिएबल आई एम सोल्विंग फॉर इज एक्स तो एक्स के लिए अगर मैंने सॉल्व किया और वो हमेशा ही सही है तो यहाँ से सोल्यूशन कितना आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर उसका मतलब क्या है कि जो हमारा आंसर है वो कंडीशनल होगा ठीक है तो अगर एल्फा बराबर एन पाई है तो फिर हमारा आंसर कितना हो जाएगा एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स अगर एक्स एन पाई नहीं है एन पाई नहीं है तो मतलब साइन अल्फा जीरो नहीं है साइन अल्फा जीरो नहीं है तो दोनों दौ से कैंसिल कर दिया तो अगर ऐसे कैंसिल कर दिया तो बचा हुआ एक इक्वेशन क्या होगा साइनस स्क्वायर एक्स इज इक्व टू थ्री बाई फोर या फिर अगेन साइन एक्स इज इक्व टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू ठीक है तो अगर एल्फा विच इज ए कॉन्स्टेंट वो अगर एन पाई नहीं है तो सोल्यूशन विल बी दिस एंड दैट इज एक्स इज इक्व टू चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू पे आता है डिग्री तो ये आंसर हो गया ठीक है अच्छा अब में आना चाहिए कि ये आंसर और ये आंसर दोनों आंसर नहीं है कंडीशनल आंसर है मतलब ऐसे नहीं लिखा है एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स बराबर इज कंडीशनल टू एन पाई देन आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू आर बस खत्म दूसरा इफ एक्स इज नॉट इक्व टू एन पाई अगर तो फिर सॉल्यूशन इज दिस ओनली तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि अगर इन दोनों के बीच में और होता तो हम इन दोनों का ले ले यूनियन ले लेते यूनियन ले लेते तो एक्स बिलोंग्स टू आर में सारी आंसर आ जाता ये ठीक है बट दैट इज नॉट द केस आंसर कंडीशनल है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है tan θ tan 2θ √3 tan 2θ tan θ √3 तो इस क्वेश्चन में देख के किसी के भी दिमाग में ये मैन्यूपलेशन आ सकता है कि रूट थ्री इ टर्म है प्रॉब्लमेटिक टाइप टर्म है तो उनको हम एक साथ क्लब कर लें ठीक है तो ये मैनुपलेन का जो स्टेप है ये तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा इसमें कोई थ्योरी व्यूरी नहीं है वो तो हजारों क्वेश्चन में हजारों तरह का मैनुप्लेसन आएगा तो सबके करस्पॉन्डिंग थ्योरी थोड़ा बन जाएगा तो रूट थ्री अगर हमने कॉमन लिया तो वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा अब ये तो तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा ठीक है अगर मैं इस टर्म से डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा अपॉन वन माइनस टू रूट थ्री ऐसा करने से क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ये सीधा फॉर्मूला बन गया किसका फॉर्मूला बन गया टेन थ्री थीटा का टेन थ्री थीटा इज टू रूट थ्री इसके जनरल लिख लिया तो एलगेट थ्री थ्री टू एन पाई प्लस रूट थ्री कहां पर पाई 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 डिवाइड से से कर दिया तो आ गया एन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई नाइन ठीक है और अगर इसमें मैंने एलसीएम लिया तो गेट थ्री एन प्लस वन पाई ठीक पाई है यही आंसर हो गया अच्छा टेन वन के क्वेश्चन में मैंने पहले बोला था कि अगर जो फाइनल आंसर आए तो उसको एक बार हम ओरिजिनल इक्वेशन के साथ जरूर चेक करते हैं ठीक है तो उसके लिए हमने ये देखा कि थीटा की इस वैल्यू के लिए जो ओरिजिनल इक्वेशन है जिसमें टेन थीटा और टेन टू थीटा लिखा है उसको कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है तो कैसे दिक्कत हो सकता है इस वाली इक्वेशन में यू कैन सी कि एन का वैल्यू कुछ भी रखो जो नाइन है डिनोमिनेटर में वो तो रहेगा ही रहेगा नाइन कैंसिल हो ही नहीं पाएगा अगर डिनोमिनेटर में नाइन है तो टेन को कोई दिक्कत नहीं है ना तो टेन थीटा को कोई दिक्कत है ना टेन टू थीटा को कोई दिक्कत है ठीक है टेन को दिक्कत कब होता है जब डिनोमिनेटर में टू बच जाए पाई बाई टू करके बच जाए तो वो यहां पे होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसलिए ये आंसर एक्सेप्टेबल है ये ठीक है अच्छा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक स्टेप और लिखा था कि अगर वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा से डिवाइड किया था तो ऐसा हो सकता है कि जब इससे डिवाइड किया तो ये वाला टर्म जीरो हो जाए और बाई चांस उस थीटा की वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाए तो फिर तो हमने जीरो से डिवाइड कर दिया फिर तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था ओरिजिनल इक्वेशन मतलब अगर बाई चांस ये और ये साइमल्टेनियसली जीरो हो जाए तो वो इसी इक्वेशन का तो सोल्यूशन है बट इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं तो हम वो भी चेक करेंगे क्या चेक करेंगे कि टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा अगर वन हो रहा है तो क्या हो रहा है तो दिस इज टेन इंटू टू टेन अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर इक्व टू वन दिस इज टू टेन स्क्वायर इज टू वन माइनस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर इज टू वन बाई थ्री सही है हुँ. अब अगर टेन टेन स्क्वायर वन बाई थ्री होगा तो नाउ यू कैन मतलब ये तो हमने क्या बोला कि अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो उसमें दिक्कत जब ही आएगी जब लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाए अगर मान लिया राइट हैंड साइड जीरो है लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो ही नहीं रहा है थीटा की वैल्यू के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है वो वैसे भी सोल्यूशन नहीं है ये ठीक है प्रॉब्लम हो रहा जब दोनों साइड जीरो तो वो सोल्यूशन लूज हो सकता है डिवाइड करने की वजह से नाउ यू चेक योर सेल्फ कि ये वाला अगर हमने यहाँ पर रखा तो वो जीरो नहीं हो रहा होगा ठीक है टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा दिस विल बी टेन माइनस टेन क्यूब प्लस टू टेन अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर और पूरे में से टेन कॉमन ले लिया तो दिस विल बी थ्री माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ऐसे हो गया अब ये जो टेन स्क्वायर का वैल्यू है वन बाई थ्री उसके लिए ये तो जीरो नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या है कि जब राइट हैंड साइड जीरो होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वोंट बी जीरो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हैन्स ये जो आंसर है दैट विल स्टैंड मतलब ये पूरा अभी वी आंसर है कुछ भी कम नहीं हुआ ठीक है ये फाइनल पॉइंट्स हैं और क्वेश्चन में आपको बुक बुक में तो ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं वो तो आके फिर यूजुअली मैंने तो देखा नहीं है चेक करते हुए बट हमें ऐसे चेक करना चाहिए क्योंकि किसी जगह पे सल्यूशन आ सकता है या फिर हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि चेक करने की क्यों ज़रूरत नहीं है ठीक है लॉजिकली ओके फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थीटा कॉस्ट टू थीटा प्लस कॉस् थ्री थीटा बराबर जीरो अच्छा इस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में जैसे कॉस्थीटा प्लस कॉस्ट टू थीटा प्लस कॉस्ट थ्री थीटा बराबर जीरो है तो एंगल्स ए में एंगल्स ए में तो एंगल के एपी वाला जो फॉर्मला है वो लगा सकते हैं लगा सकते हैं व तो लगाएंगे नहीं दैट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज जब एंगल्स एपी में है उस फॉर्मूले में जो प्रूफ आता है उसका जब उसको हम डिराइव करते हैं तो उसमें हम ऊपर नीचे साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं बीटा बाई टू बीटा क्या है एंगल्स का कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ पे एंगल का कॉमन डिफरेंस क्या है थीटा तो हम ऊपर नीचे साइन थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करके वो फॉमूला लेके आते हैं ठीक है तो इफेक्टिवली हमने क्या किया कि अगर ओरिजिनल इक्वेशन में साइन थीटा बाई टू के करस्पॉन्डिंग रूट्स नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई करने की वजह से वो एक्स्ट्रा रूट आ जाएगा तो आंसर गलत आ सकता है ये ठीक है अगर ओरिजिनल इक्वेशन में साइन थीटा बाई टू के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी रूट हुआ तो तो पता नहीं लगेगा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अदरवाइज एक्स्ट्रा आंसर आ सकता है तो या तो हम ये चेक करें कि ओरिजिनल इक्वेशन में वो रूट्स है या नहीं है ठीक है या फिर उसको अवॉइड ही कर दिया ठाक के ऐसी सीधा क्वेश्चन कर लिया जैसे थीटा थ्री थीटा टू थीटा दिखाई दिया तो मैं ऑर्ड वालों को क्लब करने का सोचूंगा ठीक है तो कर लिया कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस्ट टू थीटा इक्वस टू ज़ीरो तो इन दोनों क्लब किया तो कितना आ जाएगा टू कॉस सम बाई टू कॉस डिफरेंस बाई टू प्लस कॉस टू थीटा इक्वस टू जीरो तो इसमें से कॉस टू थीटा कॉमन ले लिया तो आ जाएगा टा प्लस वन बराबर जीरो टू जीरो और कॉस्टीटा इज इक्व टू माइनस हाफ अब ये सॉल्व करना बार बार वही चीज बार बार दोहराई जा रही है ये ठीक है आंसर बेस यहां से आ जाएगा दिस और दिस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस् थीटा कॉस्ट टू थीटा इस बार प्रोडक्ट में इज इक्वस टू वन बाई फोर तो फिर हमने वही कॉस्ट थीटा कॉस्ट टू थीटा कॉस फोर थीटा इक्व टू वन बाई फोर तो यहाँ से एक टू निकाला इसको सॉरी थ्री थीटा था यस वन टू थ्री तो इसको और इसको क्लब किया तो टू कॉस थीटा कॉस थ्री थीटा कॉस टू थीटा तो ऐसे ही बाहर लिखा हुआ है ठीक है इन टू पहले और तीसरे से कितना आ जाएगा कॉस में सम प्लस कॉस में डिफरेंस इज़ इक्व टू हाफ बचा, ठीक है पूरे को दो से मल्टीप्लाई किया तो यह हो गया टू कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा इस पर दोबारा फॉर्मल लगा सकते हैं प्लस टू कॉस टू थीटा स्क्वायर इसके और इसकी वजह से इक्व टू वन तो इस पर दोबारा फॉर्मल लगा तो सकते हैं मैं लगाने की जरूरत नहीं बिकॉज आई शुड भी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये फॉर्मूला बन गया फिर टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन कास टू थीटा वाला फॉमुला लग गया ये कॉस फोर थीटा हो गया तो दिस इज टू कॉस टू थीटा इन टू कॉस फोर थीटा प्लस इक्वस टू जीरो अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन थिंगोर थीटा इक्व टू जीरो और कॉस टू थीटा इज इक्वस टू माइनस हाफ नाउ सॉल्व ठीक कॉस फोर थीटा बराबर जीरो में में जीरो वैल्यू कहाँ पे आता है और मल्टीपल ऑफ पाई वे टू में तो फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन जाएगा फोर थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई वे टू ऐसे दूसरे वाले का सोल्यूशन यू कैन राइट आसर ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया इसमें मतलब ये क्वेश्चन में कोई अलग थ्योरी नहीं पढ़ाया जा रहा जैसे मैंने बोला ये तो मैनुप्लेन है तो मैनुप्लेन की प्रैक्टिस के लिए आई एम डूइंग डिफरेंट क्वेश्चन ये ठीक है थ्योरी तो वही है अल्टीमेटली जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया इस इक्वेशन को देख के मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि दोनों जगह से साइन कॉस्ट कॉमन आ जाएगा ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैंने साइन कॉस्ट कॉमन लिया तो अंदर कितना बच जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्व टू वन बाई फोर इसको साइन कॉस्ट को तो साइन टू थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को अगर मैंने पलट लिया तो वो कॉस टू थीटा का फॉमुला बन जाएगा ठीक है तो फोर में से एक टू निकाल के इधर ले गए और इसको लिखा साइन टू थीटा इन टू कॉस टू थीटा और जो माइनस आया उसको उधर ले गए तो माइनस हाफ ठीक है अब ऐसे लिखने के बाद साइन टू थीटा कॉस टू थीटा फिर फॉर्म लग जाएगा दिस विल बिकम साइन फोर थीटा तो फिर इस टू को उधर ले गए और ठीक है मी राइट हियर यू विल गेट साइन फोर थीटा इक्वल्स टू माइनस वन दिस इज वेरी सिंपल माइनस वन वैल्यू कहाँ पर आता है जो हमने इनिशियली ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि साइन में माइनस वैल्यू वैल्यू यहाँ पे आता है विच इज फोर एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू दाइनल सोल्यूशन भी थी था बराबर फोर एन माइनस वन इंटू पाई बाई एट यह आंसर होगा ठीक है और साइन कॉस्ट के टर्म्स हैं कोई डिनोमिनेटर में टर्म्स नहीं लिखा है तो सोल्यूशन में कोई दिक्कत ही नहीं हमेशा डिफाइन होगा तो वापस चेक वेक करने का जरूरत ही नहीं दिस विल बी द सोल्यूशन ये ठीक है ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अब नेक्स्ट टॉपिक सुन लिया नेक्स्ट टॉपिक मतलब सो कॉल्ड टॉपिक so वैसे दिस इज नॉट कॉल टॉपिक यूजिंग ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ठीक है ट्रिक्नोमैट्रिक के पहले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है कि इसको मैनिपुलेट करने के लिए व्हाट वी डू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो उससे ये ऐसे लिखा जा सकता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस एल्फा इफ़ यू रिमेंबर ठीक है तो बस उसी की एप्लीकेशन और कोई थ्योरी नहीं है तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा रूट थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्व टू वन ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है तो साइन ऑफ कॉस का लीनियर टर्म है तो अगर साइन ऑफ कॉस का लीनियर टर्म है तो यही वाली चीज़ लग जाएगी ठीक है तो इसमें ए का वैल्यू कितना है रूट थ्री बी का वैल्यू कितना है माइनस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा टू तो उसका मतलब क्या है कि इसको दो से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया ठीक है तो इसको ऐसे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ रूट थ्री बाई टू साइन थीटा माइनस हाफ साइन थीटा सॉरी कॉस्थीटा इक्वस टू वन ठीक है अब इसको अगर मैं साइन पाई बाई सिक्स बोल दो ठीक है हाफ के ग्रेस पॉइंट तो वैल्यू पता है अगर ये हाफ नहीं और कुछ होता तो फिर हम इसको साइन अल्फा टाइप बोल देते तो फिर ये अपने आप अप, कॉस पाई बाई सिक्स हो गया ऐसा करने से ये इक्वेशन कैसे लिखा गया टू साइन ये फॉर्मूला बन गया ना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का ये फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस पाई बाई सिक्स टू वन का और साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स इक्व टू हाफ का बस आगे कुछ है नहीं ये तो फिर वही ओरिजिनल इक्वेशन तो एक्स माइनस पाई बाई सिक्स बराबर हाफ में आंसर कैसे लिखते हैं एन पाई प्लस माइनस वन पाई एन इंटू पाई बाई स थर्टी डिग्री होगी फाइव बाई सिक्स को उधर ले जाओ तो एक्स विल बी एन पाई प्लस प्लस माइनस वन रेस्टाइन इंटू पाई बाई सिक्स तो यह आंसर हो गया और जैसा मैंने शुरू में पहले लेक्चर में बोला था कि अगर मान लिया ये मैंने ऑप्शन निकाला और ऑप्शन ही ना करे कोई भी तो ठीक मे बी उसको इसने डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया जैसे इसको और डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर एन इवन है ठीक है तो एन अगर है तो उसको टू एम ले लिया तो ये आंसर कैसे लिखा जाएगा एक्स बराबर टू एम पाई प्लस पाई बाई सिक्स और एम अगर इवन है तो ये माइनस वन रेश पर एन जो है वो वन ही हो जाएगा तो ये फिर प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा तो मतलब आ जाएगा एक्स बराबर टू एम पाई टू एम पाई प्लस पाई बाई थ्री ये तो एक तरह का आंसर हो गया ये ठीक है जब एन इवन है और जब एन ऑड होगा इफ एन इज ऑड तो एन की जगह लिख लिया से टू के प्लस वन तो एक्स बराबर टू के प्लस वन इन टू पाई प्लस पाइव बाई सिक्स एंड इन दिस केस ये माइनस वन के साथ ओपन होगा क्योंकि ऑर्ड पावर है तो दिस विल बी माइनस फाइव बाई सिक्स ये कैंसल हो गया तो केवल टू के प्लस वन इन टू पाई बचा तो हमारा आंसर आ गया दिस और दिस ये ठीक है ऐसे आंसर लिखना है ऐसे आंसर लिखना है एक ही बात है एंड आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा आंसर एक फॉर्म में आया है और ऑप्शन दूसरे फॉर्म में आया है तो जो भी एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने एन का वैल्यू रखा वन टू थ्री फोर ऐसे रख के चार पांच वैल्यू निकाल लिया फिर ऑप्शन के साथ मैच कर लिया ये ठीक है किसी ऑप्शन में अगर ज़्यादा वैल्यू आ रहा है हमारे निकाले गए वैल्यू से तो छोड़ दिया उसको कम आ रहा है तो भी छोड़ दिया तो जहाँ से सारे वैल्यू मैच हो जाए दैट विल बी द दल्यूशन ये ठीक है ये फिर एक टॉपिक हो गया इसमें सो so कॉल्ड फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स पे ठीक है मतलब टॉपिक का नाम क्या है क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स उसका मतलब क्या है कि मतलब साइन टू एक्स कैन राइट डाउन साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस वन वन माइनस साइन माइनस कॉस का होल इसका दिस वी हैव ऑलरेडी डन अगेन इन फर्स्ट चैप्टर तो ये बस उसी के एप्लीकेशन है तो अगर मान लिया क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सॉल्व सेक थीटा माइनस को सेक थीटा इक्व टू से फोर बाई थ्री ठीक है तो सेक को हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया ये हो गया वन माइनस कॉस वन ओवर साइन बराबर फोर बाई थ्री हो गया साइन माइनस कॉस इक्वल टू फोर बाई थ्री साइन इन टू कॉस ठीक है तो इसको ले सकते हैं टू बाई थ्री साइन टू थीटा ये ठीक है अब ऐसा लिखने से क्या हो गया नाउ आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और आई शुड बी एबल टू सी और नोटिस कि साइन टू थीटा लिखा है और एक तरफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है साइन टू थीटा कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस् थीटा तो फिर क्या होगा कि ये इक्वेशन साइन थीटा माइनस थीटा वेरिएबल में एक क्वालिटी की इक्वेशन आ जाएगी तो उस क्वालिटी को सॉल्व कर लिया तो आई राइट डाउन समथिंग लाइक साइन थीटा माइनस थीटा बराबर टू बाई थ्री इसको साइन माइनस कॉस के फॉर्म में लिखा तो यह आएगा वन माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर ठीक है और साइन माइनस कॉस को मान लिया टी बोल दिया तो आ जाएगा टी इज इक्व टू टू बाई थ्री को इधर ले वन माइनस टी स्क्वायर

तो ये हो गया माइनस टू और अगर प्लस का लिया तो फाइव माइनस थ्री विल बी टू तो विल बी हाफ ठीक है ये किसका वैल्यू आया साइन थीटा माइनस कॉस् थीटा का वो वैल्यू आया माइनस टू एंड हाफ ठीक है अच्छा अब ये साइन थीटा माइनस थीटा ये लीनियर टर्म है इसको हमने जस्ट अभी बताया और हमने उसमें फर्स्ट चैप्टर में टेक्नोमेटिक फर्स्ट चैप्टर में इसको एज इट इज याद रखने के लिए भी बोला था कि इसको आई कैन राइट ऑन रूट टू साइन थीटा माइनस पाई बाई फोर डायरेक्टली ठीक है वही ए साइन एक्स प्लस बी बी कॉस एक्स वाली चीज़ लगा के तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस पाई बाई फोर इक्वल्स टू रूट टू को उधर ले गए तो रूट टू जब इसको डिवाइड करेगा तो विल गेट माइनस रूट टू और जब हाफ को डिवाइड करेगा तो वन अपॉन टू रूट टू ये तो चीज आ गया ठीक है अब ये साइन ऑफ समथिंग लिखा है अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो साइन का वैल्यू रहेगा तो प्लस माइनस वन के बीच में तो ये वाली चीज रिजेक्ट हो गया ठीक है तो यहां से कितना बचा साइन थीटा माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू तो वन बाई टू रूट तो।, तो वहां से जनरल सोल्यूशन कितना आएगा थीटा माइनस पाई बाई प्लस माइनस वन रेस्ट पर एन और वन अपॉइंट टू रूट टू का नहीं पता है एंगल क्या होगा तो साइन इनवर्स वन अपॉइंट टू रूट टू फाइनली अगर पाई बाई फोर को दे जाए तो फाइनल आंसर विच इज थीटा इज इक्वल टू एन तो पाई प्लस पाई बाई फोर प्लस माइनस वन रेस्ट पर एन साइन इनवर्स वन अपॉइंट टू रू टू ये क्वेश्चन ठीक है बस तो ये एक टॉपिक था या एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था ठीक है अब ऐसे ना हम बहुत बना सकते हैं और ले लिया से इफ क्वेश्चन हैज क्वाड्रेटिक टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले सॉल्व से थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव साइन एक्स इन कॉस एक्स और प्लस से सेवन का स्क्वायर एक्स इक्व टू मान लिया से एट ठीक है तो ये साइन और कॉस के क्वारिटिक टर्म है टू टर्म मतलब टू डिग्री टर्म ये भी टू डिग्री टर्म ये भी टू डिग्री टर्म, टर्म तो इन क्वेश्चन करने का तरीका क्या है एक तो मेथड वन है वो तुम अपने आप करना कि इसको तो हमने लिख लिया साइन टू एक्स ठीक है साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को कॉस टू एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया तो ऐसा करने से क्या होगा क्वारिटिक हो? 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 टर्म्स लीनियर टर्म्स में बन जाएगा और ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ जाएगा एल्फा साइन टू एक्स प्लस बीटा कॉस टू एक्स बराबर समथिंग इस फॉर्म में आ जाएगा अब ये वही होगा जो हमने ऑलरेडी अभी किया है कि वही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों को मिला के फिर कुछ लिख सकते हैं साइन टू एक्स प्लस अल्फा के फॉर्म में वहाँ से सॉल्व हो गया एक जगह वेरिएबल आ गया तो फिर वहाँ से सॉल्व कर लिया एक तो हम ऐसे कर सकते हैं मेथड टू हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया ठीक है कॉस्कोरैक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा टेन में क्वारिटिक बन जाएगा उस क्वारिटिक को सॉल्व कर लिया ऐसे भी बोल सकते बट कॉस्कोरैक्स से डिवाइड करने से पहले आई विल सी कि अगर कॉस एक्स जीरो हो जाए तो ऐसा तो नहीं सोल्यूशन लूज हो रहा है ठीक है तो पहले मैंने वो चेक किया अगर इस पूरे में कॉस एक्स जीरो हो जाए तो ये सेकेंड टर्म जीरो थर्ड टर्म जीरो तो यहां से कितना इक्वेशन आ जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स बराबर एट आ जाएगा ठीक है थ्री साइन अच्छा कॉस एक्स अगर जीरो होगा तो साइन के लिए प्लस माइनस वन ही होगा या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा अब चाहे प्लस वन हो चाहे माइनस वन हो थ्री साइनस स्क्वाय जो बचा कॉस को जीरो रखने के बाद वट आई एम डूइंग आई एम चेकिंग कि कॉस कहीं जीरो तो नहीं है मतलब कॉस एक्स बराबर जीरो कहीं सोल्यूशन तो नहीं है अगर वो सोल्यूशन होगा तो उसको अलग रखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे बिकॉज मैं कॉस को से डिवाइड करने वाला हूँ इसलिए इसको सेपरेटली चेक करें कि वो सोल्यूशन तो नहीं कहीं तो इसमें नहीं है क्योंकि कॉस एक्स जीरो है तो ये दोनों टर्म जीरो हो गए और कॉस एक्स अगर जीरो होगा तो वहां पे साइन एक्स वन होगा या माइनस वन होगा उससे इसका लिए थ्री आ गया बट राइट हैंड साइड इज एट तो आंसर तो कितना है थ्री इज इक्व तो टू एट तो वो तो होगा तो हो नहीं सेटिस्फाई तो उसका मतलब क्या है कि कॉसक्स बराबर जीरो इज नॉट ए सोल्यूशन तो फिर हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया कॉसक्वास से तो पहला टर्म कितना हो जाएगा थ्री टेन स्क्वायर दूसरा टर्म हो जाएगा फाइव एक कॉस कैंसिल हो गया दूसरे से ये टेन आ गया तीसरा टर्म हो जाएगा सेवन और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एट सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके तो उसको एगन आई डाउन एट प्लस एट टेन स्क्वायर एक्स ठीक है सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये थ्री टेन स्क्वायर एट टेन स्क्वायर से कितना आ गया फाइव टेन स्क्वायर ये फाइव टी उधर जाके कितना हो गया प्लस फाइव टी और ये सेवन इस एट में से सब किया तो प्लस वन इक्व टू जीरो आ गया तो यहां से टेन एक्स बराबर कितना हो गया बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस फोर ए सी ट्वेंटी अपॉन टू ए टू इन टू फाइव सो दिस इज माइनस फाइव प्लस माइनस रूट फाइव बाई ये ठीक है रूट फाइव इज टू पॉइंट समथिंग अच्छा ये तो टेन एक्स इज इक्व टू ये लिखा है तो टेन एक्स का रेंज तो आर होता है तो उसके अंदर तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगा ठीक है तो फाइनल सोल्यूशन कितना हो गया एक्स इज इक्व टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स दीज वैल्यूज तो माइनस फाइव प्लस रूट फाइव बाई टेन एक आंसर हो गया और माइनस रूट फाइव बाई टेन दूसरा आंसर तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ठीक है तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन था अच्छा इसमें अभी तो हमने क्वेश्चन जो किया उसमें क्या था एक्स से डिवाइड किया और एक्स से डिवाइड करने से पहले आई चेक कि कॉस एक्स बराबर जीरो सोल्यूशन तो नहीं है अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है कॉस एक्स बराबर जीरो सोल्यूशन हो जैसे मान लें ये क्वेश्चन है फोर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस फाइव कॉस स्क्वायर एक्स बराबर थ्री मान लीजिए क्वेश्चन है हम बोलेंगे सॉल्व तो एक तो वही मेथड हो गया जो मैंने पहले बोला कि इसको साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स में कन्वर्ट कर दिया तो ऐसा करने से लीनियर इक्वेशन बन जाएगा साइन और कॉस का और उसके बाद फिर वो ए साइन प्लस बी कॉस वाली चीज़ लगा लिया तो ऐसा करने से आंसर आ जाएगा एक तो वो तरीका हो ही क्या दूसरा तरीका क्या है जो दूसरा मेथड था हमने बोला कि कॉस स्क्र एक्स से डिवाइड किया अच्छा कॉसकॉरेक्स से अगर इस बार डिवाइड किया तो ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया और साइन का वैल्यू प्लस माइनस वन हो गया तो ये तो आ गया थ्री बराबर थ्री अगर थ्री बराबर थ्री आ गया दैट मीन्स कि कॉस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एक सोल्यूशन है तो अब डिवाइड नहीं किया ये ठीक है या तो कॉस एक्स बराबर जीरो अलग लिख लिया और फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया बचे हुए सोल्यूशन ढूंढने के लिए या फिर अगर कॉस एक्स बराबर जीरो इसमें सोल्यूशन आ रहा है तो यू कैन सी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में से कॉसक्स कॉमन निकल आएगा कैसे कॉमन निकल आएगा इसको और इसको मिला लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना हो गया फोर साइन इन टू कॉस इस थ्री साइन स्क्वायर को उधर ले गए प्लस फाइव का स्क्वायर बराबर थ्री कॉमन लेने पे वन माइनस साइन स्क्वायर विच इज थ्री कॉस्क्वायर तो ये थ्री कॉ स्क्वायर और ये फाइव का स्क्वायर से इधर टू कॉस्क्वायर बचा माइनस फोर साइन इंटू कॉस क्स टू जीरो से एक कॉस एक्स कॉमन आ गया एक टू कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा माइनस टू जीरो और टेन एक्स इज इक्व टू हाफ बिकॉज ऑफ विच योर आंसर विल बी इस कॉस की वजह से कितना हो जाएगा एक्स इज इक्व टू टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू आइर दिस आंसर और इस टेन की वजह से हो जाएगा एक्स एज इक्वल टू एन पाई प्लस टेन इन बस हाफ ये दूसरा आंसर सो ये खत्म ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सॉल्विंग साइमलटेनियस इक्वेश ठीक है उसमें फर्स्ट पार्ट इन वन वेरिएबल ठीक है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब केवल एक ही वेरिएबल इनवॉल्ड है फॉर एग्जाम्पल सॉल्व फॉलोइंग्स और फर्स्ट पार्ट लिख दिया मान लिया साइन एक्स इज इक्व टू वन बाई थ्री एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव मान लें ये फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है से साइन एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री एंड टेन एक्स इज इक्व टू माइनस टू बाई रूट फाइव ये मानिए दो क्वेश्चन सॉल्व करने अभी तो फिर हमने लिख लिया सोल्यूशन ठीक है फर्स्ट पार्ट उसमें क्या बोला साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव अच्छा अगर साइन एक्स क्या बोलू वन बाई थ्री है तो ऐसे ट्राइंगल बनाया हमने ठीक है मान लिया ये एंगल एक्स है साइन की वैल्यू वन बाई थ्री है तो ये हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा नाइन माइनस वन इज एट ठीक है तो दिस विल बी टू रूट टू और रूट एट अच्छा अगर ये ट्राइंगल फिक्स हो गया तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप फिक्स हो गए मैग्नीट्यूड वाइज मतलब टेन एक्स का वैल्यू वन पॉइंट टू रूट टू ही आ सकता है अगर साइन एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री और कुछ नहीं आ सकता मैग्नीट्यूड वाइज बस क्या अंतर होगा मतलब क्या चीज़ वेरी कर सकता है साइन वेरी कर सकता है प्लस और माइनस में से एक चीज़ आ सकता है बट मैनी ट्यूड वाइज तो वन बाई रूट रूट एट ही आएगा तो ऐसे ही कॉस एक्स का वैल्यू रूट एट बाई थ्री आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता तो अगर हमने ये बोला कि साइन एक्स बराबर वन बाई थ्री एंड कॉस एक्स बराबर वन बाई फाइव तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि अगर साइनेक्स का वैल्यू वन बाई थ्री है तो इसके हिसाब से कॉस एक्स का वैल्यू टू रूट टू बाई थ्री आएगा वन बाई फाइव आ ही नहीं सकता तो पहले का सोल्यूशन तो सिंपली नो सोल्यूशन ये पॉसिबल ही नहीं है कंसिस्टेंट वैल्यूज ही नहीं है इसलिए ठीक है सेकेंड फिर वही साइनिक्स टू टू बाई थ्री तो पहले तो मैंने कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी के लिए चेक किया साइनिक्स टू टू बाई थ्री एंड क्या लिखा है टेन एक्सक्व टू माइनस टू बाई फाइव तो पहले तो मैंने ये चेक किया कि ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है भी या नहीं है तो साइनिक्स की तरफ से देखा टेन की तरफ से देख सकते ऐसी कोई बड़ी बात नहीं साइन की तरफ से अगर ये टू है और ये थ्री है तो ये वाला वैल्यू नाइन माइनस फोर विल बी फाइव तो टेन एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा टू बाई रूट फाइव मैगनी वाइज तो अब ये सही है ये मैच कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों का एक साथ सही होना पॉसिबल है ठीक है बस साइन पॉजिटिव है टेन नेगेटिव है इसने मेरे को क्या बताया कि जो एंगल होगा वो सेकंड क्वार्टन में आएगा क्योंकि सेकेंड क्वारन में, में ऐसा होता है साइन पॉजिटिव और टेन नेगेटिव होता है तो जो उसका सोल्यूशन आएगा वो इस क्वारेंट में एक वैल्यू आएगा ये ठीक है और सेकेंड क्वारेंट वाली वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे पाई माइनस साइन इनवर्स टू बाई थ्री ऐसे करके इस एंगल को इस एंगल को ऐसे लिख सकते हैं ठीक है टू बाई थ्री के रेस्पॉन्डिंग पहले एंगल लिख लिया साइन इनवर्स टू बाई थ्री और उसको सेकेंड क्वारेंट में पहुंचाना है तो पाई माइनस साइन इनवर्स टू बाई थ्री ठीक है अच्छा अब ये जो ये तो हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन अब जनरल सोल्यूशन आएगा तो जनरल सोल्यूशन में जैसे हमने एक चक्कर लगाया तो टू पाई वैल्यू जुड़ जाता है फिर हमने दो चक्कर लगाया तो फोर पाई तो सिक्स पाई प्लस दिस वैल्यू टू पाई प्लस दिस वैल्यू तो इसलिए जनरल सोल्यूशन विल बी टू एन पाई प्लस दिस वैल्यू दैट इज़ पाई माइनस साइन इनवर्स टू पाई थ्री तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया यही आंसर है ठीक है ओके ये तो एक टाइप के क्वेश्चन थे फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन मान लिया थर्ड पार्ट इसी का कि साइन एक्स इंटू साइन थ्री एक्स इक्व टू वन मान लिया ये रखा है ठीक है अब इसका सलूशन लिख लिया इसमें क्या है कि साइन एक्स का वैल्यू और साइन थ्री एक्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज वन से कभी बड़ा हो गई नहीं तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट वन आ रहा है तो या तो दोनों वन वन हो क्योंकि अगर एक वन से छोटा हो गया तो दूसरे को वन से बड़ा होना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट जाके वन आएगा तो वन से बड़ा कोई हो नहीं सकता तो या तो वन एंड वन होना चाहिए या फिर माइनस वन एंड माइनस वन होना चाहिए या फिर का मतलब क्या है और माइनस वन इन टू माइनस वन में लॉज तो इसके हिसाब से क्या हो गया इक्वेशन साइन एक्स इज इक्व टू वन एंड साइन थ्री एक्स इज इक्वस टू वन या तो ये होल्ड करे या फिर और साइन एक्स इज इक्वस टू माइनस वन एंड साइन थ्री एक्स इज इक्व टू माइनस वन ये ठीक है ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि एंड लिखा हुआ है और ये केस एंड ये केस के बीच में और लिखा है तो इन दोनों के बीच में ऑप्शन है ठीक है ऑफ कोर्स कि वन वन हो गया तो भी चलेगा माइनस वन माइनस वन हो गया तो भी चलेगा ठीक है अब किसी भी एक को सॉल्व कर लिया जैसे पहले वाले को सॉल्व किया अच्छा उससे भी पहले साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला कितना होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स ऐसे होता है तो अगर साइन एक्स का वैल्यू वन है तो साइन थ्री एक्स का वैल्यू इस फॉर्मूले की वजह से अपने आप फिक्स हो गया अगर साइन एक्स वन है तो ये कितना हो गया थ्री और ये हो गया माइनस फोर तो थ्री माइनस फोर कितना हो गया माइनस वन ठीक तो है तो अगर साइन एक्स का वैल्यू वन है तो साइन थ्री एक्स का वैल्यू माइनस वन ही आएगा और कुछ नहीं आएगा तो दिस एंड दिस पॉसिबली नहीं है क्योंकि साइन एक्स अगर वन है तो साइन थ्री एक्स वन हो ही नहीं सकता वो तो माइनस वन होगा तो यहाँ से आंसर फाइव आ गया दूसरे वाले में भी ऐसे होगा अगर साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन है तो फिर ये माइनस थ्री हो गया और ये प्लस फोर हो गया तो उसका उन्होंने साइन थ्री एक्स का वैल्यू वन ही आएगा वन साइन एक्स इज माइनस वन तो यहाँ तो माइनस वन चाहिए जबकि आएगा क्या वन तो अगेन इसका भी आंसर कितना हो गया फाइव तो इसका टोटल आंसर कितना हो गया नो no सोल्यूशन इस क्वेश्चन का देर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन ये ठीक है ये आंसर हो गया अच्छा यही क्वेश्चन अगर ऐसे ही लिखा होता कि साइन एक्स इंटू साइन थ्री एक्स अच्छा चलो लिख ही लिया फोर्थ हैड द क्वेश्चन बीन दिस साइन एक्स इंटू साइन थ्री एक्स इक्वस टू माइनस वन तो ये चल जाएगा क्योंकि या तो ये वन हो ये माइनस वन हो या फिर उल्टा हो ये माइनस वन हो और ये वन हो तो ऐसा ही हो रहा था कि जब साइन एक्स वन था तो साइन थ्री एक्स माइनस वन ही आ रहा था तो जो यहाँ से हमने इक्वेशन लिखा कि साइन एक्स इज इक्व टू वन एंड साइन थ्री एक्स इज इक्वस टू माइनस वन ये ठीक है और इसकी वजह से क्या आ जाएगा साइन एक्स इज इक्व टू माइनस वन एंड साइन थ्री एक्स इज इक्व टू वन इन दोनों के बीच में और ठीक है तो इसको सॉल्व किया इसको सॉल्व किया इंटरसेक्शन ले लिया बट हमने क्या बोला अगर साइन एक्स वन है तो साइन थ्री एक्स माइनस वन ये अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा उसका मतलब क्या कि अगर ये सही है तो ये अपने आप सही है तो इन दोनों से इसको सॉल्व करना काफ़ी है साइन एक्स इज इक्व टू वन क्योंकि ये सही हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो गया ठीक है तो ऐसे ही इन दोनों से केवल इसको सॉल्व करना काफ़ी है साइन एक्स इक्व टू माइनस वन अगर ये सही है तो दूसरा अपने आप अप सही तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आया कि साइनिक्स या तो वन होना चाहिए और इस और की वजह से या साइन एक्स माइनस वन होना चाहिए तो साइन एक्स इज इक्व टू वन और माइनस वन तो वो तो यहाँ पर और यहाँ पे होता है तो मतलब एक्स इज इक्व टू पाई वाई टू का ऑर्ड मल्टीपल ये हमारा Final answer over okay. here. I hope this is clear.